अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने घर वालों के साथ खुशबाश होंगे। तो मैं, बाजी और बच्चे हम सब जा रहे हैं जी सिल्वाबन। पूरी टीम जा रही है, अपॉइंटमेंट मेरी है और मेरे साथ पूरी टीम यहाँ पे सिल्वाबन आई है। तो यहाँ पे विजन एक्सप्रेस वे में जो है मेरी अपॉइंटमेंट थी, जो ग्लासेज उन्होंने मुझे प्रिस्क्राइब की हुई थी उसमें जैसे दो लेंस उन्होंने जो है एडजस्ट किए थे, डिस्टेंस एंड रीडिंग वाला। तो वो जो रीडिंग वाला था वो ज़रा मुझे उससे प्रॉब्लम जैसे वो हो रही थी कि मुझे सही क्लियर नज़र वर्ड्स नहीं आ रहे थे। तो अब जो है दोबारा से अपॉइंटमेंट बनी है, 2 हफ्ते बाद दोबारा मैं आऊँगी। तो होपफुली जो है आई टेस्ट जो है मेरा वो सही हो, प्रिस्क्रिप्शन मेरी ना चेंज हो। शायद ये आई ड्रॉप्स की वजह से जो है थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं अब जी अपनी फेवरेट बबल टी, और बाजी ने करनी थी अपनी बेटी के लिए थोड़ी सी शॉपिंग, उसके क्रॉक्स लेने थे वो लिए। तो बस इतनी जो है इतनी देर के लिए हम सिल्वाबन आए थे, अब जा रहे हैं घर। घर जाके मैंने बनाने हैं नूडल्स। मेरी बड़ी प्यारी अच्छी दोस्त जो है सादिया वो आ रही हैं मेरा हाल अहवाल पूछने और रोमा बाजी को मिलने के लिए। मैं बना रही हूँ चिकन नूडल्स। तो ये ऑयल में जो है 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट ये मैंने ऐड की है। तो मैंने ये यहाँ पे जी हो गई है थोड़ी सी ब्राउन, तो हो ही गई है। तो बस इसमें जो है अब ये मैं बोनलेस चिकन ऐड कर दूँगी। ये इसमें बोनलेस चिकन ऐड कर दिया और इसको अब जो है 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से पकाऊंगी। जी ये चिकन का कलर यहाँ पे हो चुका है चेंज। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ब्लैक पेपर और इसमें मैं ऐड करूँगी सॉल्ट। ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही है इसमें सॉल्ट। तो इनको अच्छी तरह से जो है पका लूँगी मैं। स्वीट चिल्ली सॉस और ये अब इसके अंदर जो है ऐड कर दूंगी मैं स्वीट चिल्ली सॉस। मैंने ये केचप भी ऐड कर दी है थोड़ी सी, ताकि जो है ना इसका टैंगी टेस्ट थोड़ा सा आ जाए। यहाँ तक तो ये मुझे चिकन मंचूरियन की रेसिपी तैयार है, वो भी ऐसे ही बनती है। मैंने ऐड किया है विनीगर एंड 1 टेबल स्पून ही ऐड इसमें कर रही हूँ लाइट सोया सॉस। 2 से 3 मिनट यहाँ पर इसको लो हीट पर जो है पकाना है, ताकि जो चिकन भी है वो भी गल जाए और सॉस भी जो इसमें ये जो डाली हैं केचप चिली सॉस सोया सॉस विनीगर, ये भी जो है ना इनका भी टेस्ट जो है सही रच बस जाए। तो बस यहाँ पे अब इसमें मैं ऐड करूँगी वेजिटेबल्स, मिक्स वेजिटेबल्स कैरेट्स एंड पेपर, और इनको जो है अब हल्का सा आप इनको स्टर फ्राई करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। प्रोटीन नूडल्स ये आपको टेस्को में आजडा मोरिसन हर जगह पे जो है इजीली अवेलेबल है, और ये जो है स्ट्रेट अवे कुकिंग के लिए परफेक्ट हैं क्योंकि ये ऑलरेडी उबले हुए हैं। तो बस जब वेजिटेबल्स यहाँ पे हाफ कुक्ड हो गई हुई हैं, आधी पक गई हैं, क्योंकि मैं पूरा नहीं इनको वेजिटेबल्स को पकाऊंगी, ज़रा इनका कच्चापन थोड़ा सा बरकरार रहने दूंगी। ज़रा क्रंची जो है मुझे वेजिटेबल्स पसंद है नूडल्स में, तो इसलिए जो है इनको मैं थोड़ा सा क्रंची रहने दूंगी, फुली कुक नहीं करूंगी। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नूडल्स। अब इन नूडल्स को जो है वेजिटेबल्स के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ज़बरदस्त, मैं कहती हूँ बहुत मज़े के जो है ना ये नूडल्स बनते हैं और मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है। यहाँ पे हम जाते हैं ना चॉपस्टिक्स पे, एक चॉपस्टिक्स के नूडल्स और एक ये जो मैं घर बनाती हूँ, बस यही बच्चों को पसंद है। रही हूँ ये स्प्रिंग अनियन जो मैंने काटे हुए थे और इनको जो है मिक्स कर लूँगी मैं। पाँच मिनट इसको मैंने लगाया दम और यहाँ पे चिकन नूडल्स जो हैं तैयार हो चुकी हैं। आप इसके ऊपर सेसमी सीड्स भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, मेरे बच्चों को पसंद नहीं है इसलिए मैंने इस पे ऐड नहीं किए। तो मेहमान यहाँ पे जी आ चुके हैं। वो डर रहे हैं वो। देखो रबिया को क्या मिला है। हाँ डांट तो पड़ेगी।
और जी ये थोड़ा सा खाने पीने का जो इhtmam मैंने और बाजी ने हमने शॉर्ट नोटिस पे जो है हाफ एन आवर में प्रोग्राम बना था, बस उसमें जो है कुछ मैंने पेपे से मंगवा लिया, चिकन रैप्स और बच्चों के लिए जो है डोनट्स और बड़ों के लिए जो है रसमलाई, ये हमने जो है डिज़र्ट में खाई और सबने जो है माशाल्लाह खाना पीना खूब इंजॉय किया। I'm single. हाय हाय। ये ना जब मैं उसको देखूँ ना मुझे दीन याद, मैं दीन को दिखा लग रहा है, दीन को दिखा ली काम। अभी देखा? मेहमानों की बाबू ने सलामत भेज दी। ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू। और यहाँ पे जी बच्चों को भी गिफ्ट्स मिले हैं उनकी सादी आंटी की तरफ से, और उनको मैं हमेशा ये मना करती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा जो है ये तरद्दुद करती हैं, आपको ये ना किया करें ऐसे। तो यहाँ पे मेरी बेटी के लिए जो है वो बर्थडे गिफ्ट लेके आई थी, क्योंकि उनकी अपनी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो पाकिस्तान आने के बाद जो है हमारी मुलाकात नहीं हो सकी, फ़ोन पर बात होती रहती थी लेकिन वैसे जो है मुलाकात नहीं थी हुई। तो आज जब हुई है तो वो आज भी जो है सबके लिए, बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए, रोमाबाजी के लिए, सबके लिए जो है ना वो गिफ्ट लेके आई हैं। और यहाँ पे जी रोमाबाजी मुझे गिफ्ट्स दिखा रही थी जो उनको मिले हैं सादिया की तरफ से। और सादिया आप मेरा ये व्लॉग ज़रूर देखेंगी और मैसेज में, और वैसे भी आपको सही मेरे से डांट पड़ती है क्योंकि आप मेरी बात नहीं सुनती हैं। आपके प्यार का, आपके तोहफों का बहुत बहुत शुक्रिया। Okay, the most fancy you can get is a black box with gold writing. Black box, gold writing equals fancy. This is fancy. Wow. Oh my god. I don't think I'm qualified to open this. I'm not that fancy. Okay. But does that open or something? Okay. No, yes, yeah. Okay, so first we're gonna take this one out. I don't think you should take it out. I think you should just like show them like this. No, I will take it out. Oh, ये कितने लगाई है? आपने. थैंक यू तू बखला। ये देखिए और इसकी इतनी अच्छी जो है ना इसकी खुशबू है, और ये लगा के जैसे आप नमाज भी पढ़ सकते हो। ये वैसलिन टाइप है, जैसे आप ड्राई स्किन हो तो आप उस पर लगाएं। और ये इयररिंग्स, ये हमारी बाजी के लिए है जी, बाजी के लिए तोहफा। थैंक यू, यू वेरी वेलकम। पावांगे ते फिर तानू खावांगे। आहो थैंक यू जी। मैंगो 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 हो रही है, मैंगो खाएंगे और छिलके इसमें रखेंगे। कच्ची लस्सी इसके साथ मैं नहीं बना रही क्योंकि यहाँ पर सर्दी आ गया है, गर्मी हो तो फिर कच्ची लस्सी कहते हैं, मैंगो के साथ आप पिए तो खाने लगे हैं जी यहाँ पे मैंगो। और जी फाइनली मेरे कमरे का फर्नीचर पूरा यहाँ पे हो गया, ये वार्डरोब के साथ मैचिंग जो मैंने ड्रेसर अपने रूम के लिए ऑर्डर किया हुआ था, इसने कसमें ऑनलाइन शॉपिंग नहीं दफ़ा मुझे जो है ना सही पढ़ने पाया। तो फाइनली जो है आज ये आ चुका है। पहले इन्होंने ये वाइट कलर में भेज दिया था, वो बिल्कुल ही वो कलर कम्बिनेशन में जा ही नहीं था रहा, तो इसका वेट करते 3 हफ्ते जो है मुझे इंतज़ार करना पड़ा। अब फाइनली आ गया, तो इसका स्टूल नहीं आया वो, अब जो है मैंने डेबलम से ऑर्डर किया तो वो भी 2-3 दिन में इंशाल्लाह आ जाएगा। और यहाँ पे अब मेरा रुख है जी मेरे किचन की तरफ। अब किचन में जो चेंजेस मैंने करने हैं वो आगे आप देखेंगे, आधे तो मैंने वैसे ही आपको दिखा दिए हैं। अब यहाँ पे प्लांट्स को जो है इनके पत्तों को अच्छी तरह से मैंने साफ़ करके और इनको जो है ये देख लें सही ग्रीन कर दिया है। और अब मनी प्लांट को जो है मैंने 2 प्लांट पॉट्स में जो है इसको मैंने सेट करना है, और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी। और जी मेरी ऑनलाइन शॉपिंग का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें कि जस्ट ईट जो ऐप है वहाँ से आज मैंने ग्रोसरी शॉपिंग भी कर ली। मैंने कहा ये काम रहता था ये मैंने अभी तक नहीं किया, तो मैंने ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग की जो 15 से 20 मिनट में जो है ना मुझे ये जो सामान मैंने सारा ऑर्डर किया था वो घर में आ गया। तो आज का व्लॉग हुआ यहाँ पर पूरा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।